हेलो फ्रेंड्स, नेस्टे मैंगो के इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक हिंदू राष्ट्र देश है और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। आज हम लोग एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही फेमस है और यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही फेमस है। लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से विजिट करने के लिए आते हैं। उस महान मंदिर का नाम है मोदी टेम्पल। मोदी टेम्पल मोदी नगर में पड़ता है। मोदी नगर एक छोटा सा शहर है जो हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। मोदी नगर एक छोटा सा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है और ना ही इंडस्ट्री के लिए बल्कि एक एजुकेशन के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज डॉक्टर केदारनाथ मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज, SRM इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ पे पाए जाते हैं। मोदी नगर 201-204 पिन कोड। तो मोदी नगर की स्थापना श्री राय बहादुर गुजर लाल मोदी जी के द्वारा की गई थी। स्टार्टिंग में उन्होंने मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री स्टार्ट करा 1933 में। पहले ये मोदी नगर का नाम मोदी नगर ना होकर इसका नाम था बेगुम्बाबाद। उसके पहले इसका नाम जो रखा गया था वो नवाब जाफर, जो मुगल की एक बहुत ही फेमस लेडी थी, उनके नाम पे रखा गया था। तो और जानते हैं, श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी अपने भाई केन मोदी के साथ उन्होंने 1933 में यहाँ पे इंडस्ट्री की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने स्टार्टिंग में रखा मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। तो उस समय इन्होंने स्टार्टिंग में इंडस्ट्री स्टार्ट करी, धीरे धीरे यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हो गए, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को यहाँ पे जो शिक्षा थी, लोगों को यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी सुधरने लगी। तो धीरे धीरे यहाँ की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई और उस समय हम जानते हैं अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो अंग्रेज इनसे काफ़ी खुश हुए और उस समय इन्होंने इस शहर का नाम उनके नाम पर रख दिया, जिसका नाम पड़ा 1945 में मोदी नगर। उस समय अभी जस्ट हमारा सेकेंड युद्ध, विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, तो उस समय 1945 में ब्रिटिश ने इनको बहुत सम्मान प्रदान किया और इनका नाम उस समय राजा बहादुर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और आपको जान के हैरानी होगी, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जो धीरूभाई अंबानी थे इनके यहाँ काम कर चुके हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये जो मोदी नगर वासियों के लिए कि धीरूभाई अंबानी, जिनके बेटे आज पूरे देश में नंबर वन बिजनेस में आते हैं, जो सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं भारत के, उनके पिताजी इनकी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। सो बी प्राउड मोदी नगर। तो कितनी अच्छी बात है। और हम लोग जानते हैं इस मंदिर के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मंदिर है अपनी खूबसूरती के लिए पूरे देश में फेमस है और यहाँ पे लोग अपने लोकल से भी आते हैं और लोग काफ़ी लोग बाहर से भी लोग मिलने यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। इसकी खूबसूरती को जैसा आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत इसको बनाया गया है, इसका जो आर्किटेक्चर है, यहाँ पे जो खंभे हैं अगर आप इन्हें नज़दीक से देखो तो पूरे तरह से पत्थर के बने हुए हैं और इसको बनाने में काफ़ी समय लगा हुआ था। और ये जो पूरी तरह से ये बनाया गया था वो हमारा श्री राय बहादुर मुल्तानी मल मोदी चैरिटेबल फंड के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और बात करें तो ये काफ़ी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसकी अगर जो क्षेत्रफल माने तो 1900 एकर्स में फैला हुआ है। आप सोच सकते हो कि 1900 एकर्स कितना ज़्यादा बड़ा होता है। तो लोग यहाँ पे रनिंग करते हैं, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं। आपका इस मोदी मंदिर के बारे में क्या है, कैसा, क्या मंदिर है, क्या डिस्क्राइब? मोदी टेम्पल है वो बहुत ही फेमस है अपनी कुछ चीज़ों की वजह से। लाइक यहाँ पे जो लोग आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे काफ़ी पीसफुल करते हैं और बहुत ही शांति फील करते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे हरियाली काफ़ी है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। और जो दूसरी चीज़ मानी जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि 100 से ज़्यादा भगवान यहाँ पे हैं। और जैसा कि आप दीवारों पे देखोगे कि बहुत अच्छे आर्किटेक्चर में भगवान को बनाया गया है, अलग अलग भगवान आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसको लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो
तो ये है यहाँ की विशेषताएं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जब भी टाइम मिले तो आप जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और मधुनगर के लोग भी काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव हैं, तो ये है यहाँ की विशेषताएं। इस खूबसूरत से मंदिर के निर्माण के बारे में बात करें तो इसका निर्माण जो है वो 1945 के ऑलमोस्ट अराउंड स्टार्ट कर दिया गया था, और इसको बनाते बनाते काफ़ी टाइम गुजरा, और 1963 में इसका जो आरंभ किया गया, जिस 3 फरवरी 1963 में इस मोदी टेंपल को स्टार्ट किया गया, जहां पर लोग विजिट कर सकते थे और लोग इसकी खूबसूरती को देख सकते थे। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो तो इस जो मंदिर है उसके दोनों साइड में इस तरह की सरोवर बनी हुई है, जो कभी अभी आप त्योहारों में यहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है कि लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है, और इसमें आप बत्तख देख सकते हो, इसमें कमल के फूल खिलते हैं, तो इस समय मौसम पे आप अगर जाते हो तो अगर आप बरसात के मौसम में यहाँ पे जाते हो तो आपको मंदिर के दोनों साइड कमल के फूल खिले दिख जाएंगे, और यकीन मानिए कि उस समय आपको ये देख के बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंजॉय करते हो आप। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ। हेलो गाइस, अभी हम लोग मोदी टेंपल में हैं, और ये मोदी टेंपल मोदी नगर में पड़ता है, जो बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे मोदी टेंपल में सबसे अगर अच्छी चीज़ मानी जाए तो मोदी टेंपल मानी जाती है। लोग यहाँ पे शाम को सुबह में आते हैं, पूजा पाठ करने भी आते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर केदारनाथ मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट काफ़ी आते हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो मेरा भाई भी जैसे सामने जो रिकॉर्ड कर रहा है वो भी आ चुका है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, और सब में यहाँ पे सबसे अच्छा माना जाता है टेंपल। और इसका बात करें तो मोदी जो नगर है वो 1935 में इसका निर्माण किया गया था मोदी नगर का, और उसके बाद जो गुजरमल मोदी थे उनके गाइडेंस में ये कंस्ट्रक्शन हुआ इस मंदिर का। तो ये था इसकी स्टोरी, चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं यहाँ के व्यू का, यहाँ के जो आर्किटेक्चर है इसका। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना समय निकाल के जरूर इस मंदिर को विजिट कीजिए, इस मंदिर को विजिट कीजिए, आप काफ़ी इंजॉय करोगे अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन ग्रास के ग्राउंड हैं, जो यहाँ पे लोग बैठ के काफ़ी चीज़ बातचीत करते हैं। यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट भी बहुत आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि केएन मोदी कॉलेज है, SRM कॉलेज है, तो यहाँ पे सेंट जोसेफ कॉलेज है, तो दयावती है स्कूल है, जो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट इंजॉय करने के लिए। फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं हम अपने मित्र उदित से, ये बताएंगे इस मंदिर के बारे में। हेलो उदित, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो उदित, आप इस मंदिर के बारे में कितनी बार विजिट कर चुके हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में आप बताइए। इस मंदिर के बारे में क्या बताऊँ, ये मंदिर जहाँ पे जब भी मैं आता हूँ बहुत ही शांति मिलती है, आराम से अच्छे अच्छे नज़ारे मिलते हैं, लाइक गार्डन्स में आप देख सकते हो कि फैमिलीज आती हैं, अपने टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे। ऊपर से मंदिर की बारे में बताऊँ तो मंदिर में तो आप देखोगे तो इसमें 100 से ज़्यादा मंदिर की भगवान की मूर्तियाँ मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं इस मंदिर के लोकेशन की बात करूं तो मंदिर हमारा जो है वो दिल्ली से 45 किलोमीटर से दूरी पे पड़ता है, NH-58 जो बहुत ही फेमस हाईवे है, और अगर मेरठ से बात करें तो ये 25 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, तो आप मोदी टेंपल को विजिट कर सकते हो, और बगल में ही यहाँ पे छोटा हरिद्वार पड़ता है। छोटा हरिद्वार जो गंगा है वो बड़ी हरिद्वार से आती है, और ये जो सरोवर आपको दिख रहा है वो दूसरे साइड का सरोवर है, जहाँ पे भी आपको कमल के फूल बरसात के मौसम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो लास्ट में पड़ता है वो श्री हनुमान जी बजरंगबली का मंदिर पड़ता है, तो यहाँ पे काफ़ी नवयुवक युवतियाँ यहाँ पे विजिट करते हैं। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो श्री श्री राम जी का मंदिर है, और हम लोगों ने इसको अंदर से रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि अगर हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा इसको विजिट करने में, तो आपको यहाँ पे जरूर आना, आपको जरूर आना चाहिए और यहाँ की खूबसूरती को इंजॉय करना चाहिए। जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा गॉड आपको मिल जाते हैं, और ये दीवालों पर भी बने हुए हैं और काफ़ी मूर्तियाँ भी हैं,
तो दीवारों पे जो आर्किटेक्चर है वो इतना खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाओगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टाइम निकालिए और यहाँ पे विजिट कीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और सिर्फ आपको आसानी से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाता है, बस मिल जाती है, तो आप आसानी से यहाँ पे विजिट कर सकते। यहाँ पे जो शाम का मौसम होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप शाम को यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत लोग मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और मौसम भी शाम के टाइम पे बहुत ही सुनहरा हो जाता है। तो इस सरोवर के साइड पे यार लोग बैठते हैं, और यहाँ से जो मछलियाँ हैं इसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। इसके अंदर लोग दाने डालते हैं, जो मछलियाँ आती हैं और उसको खाती हैं, और यहाँ पे बत्तख भी हैं। तो लोग वीडियो बनाते हैं, लोग यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मिलके गप्पे हाँकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है ये, जो लोगों के टाइम पास और लोगों के मन को बहुत ही ज़्यादा लुभाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि आंटी क्या कर रही हैं, यहाँ पे दाने डाल रही हैं। ये जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंदिर के सेंटर में पड़ता है। जो सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे लगता है, आई थिंक आपको भी लगेगा, जो मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर लगती है कि आप जब ऊपर का आर्किटेक्चर देखते हो तो आपको जो ओम दिखता है वो बहुत ही प्यारा दिखता है, जैसे लगता है कि वो रुद्राक्ष के अंदर हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मुझे लगता है। तो आई थिंक अगर नज़दीक से आप देखो, लाइव देखो, तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो इतनी खूबसूरती है यहाँ। ये जो व्यू आप देख रहे हो ये हमारे जो मंदिर है उसके बाहर का व्यू है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 1900 एकड़ में फैला हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। छोटे छोटे ग्राउंड भी हैं। आप जो सामने देख रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे रामलीला वगैरह भी होता रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारे होते रहते हैं। तो अगर कोई त्यौहार पड़ता है, लाइक खिचड़ी का जो त्यौहार होता है, जो नवमी का त्यौहार होता है, इसमें यहाँ पे इतनी भीड़ आपको दिख जाएगी। लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, लोग यहाँ पे एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फूल, बहुत सारे पौधे यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे बहुत सफाई भी रहती है। यहाँ पे आस पड़ोस के लोग आते रहते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ जो आर्मी की तैयारी करते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में हम आपको बता सकें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अच्छे से प्लेस पे जाते रहिए।